सुन करके चलेंगे। एक एक शब्द बड़ा कीमती है इस भजन में, लिखा है क्या, और आपके लिए स्पेशल बाबा साहब ने, आपको तो बहुत ही जीवन दिया है उन्होंने, पढ़ने लिखने की आपको इजाजत नहीं थी। आज मेरा समाज, जितनी मेरी माताएं बहनें ध्यान रखे कि आप लोगों को जागने का समय आप लोगों का। हमारे भाई लोग तो समझदार है, बाहर आते जाते हैं, लेकिन आप घर में रहते हैं तो समझदार बनिए, शिक्षित बनिए और अपने परिवार को आगे लेकर के जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि माताएं अपने बच्चों को ज्यादा समय देती है, तो इसलिए उनको समझाइए, पढ़ाइए लिखाइए। दिखाए क्या, सखी है तुम करो भीम गुणगान, ऐसा विद्वान फेर नाना, हे विद्वान फेर नाना, भगवान फेर नायाना। सखी है सब उठाकर दोनों हाथ जोड़ दिए, सखी है सब करो भीम गुणगान, ऐसा विद्वान फेर नाना, सखी है सब करो भीम गुणगान, ऐसा विद्वान फेर नाना, विद्वान फेर नाना, ऐसा भगवान फेर नाना, सखी है सब अलग, सखी है सब करो भीम गुणगान, ऐसा विद्वान फेर करो भीम गुणगान, ऐसा विद्वान फेर नाना। अली बगरी भाई, दुख भर गए करी पढ़ाई, फिर मारी लड़ी लड़ाई, दुख भर गए करी फिर मारी लड़ी लड़ाई, दुख भर गए करी पढ़ाई फिर मारी लड़ी लड़ाई, दुख भर गए करी पढ़ाई फिर मारी लड़ी लड़ाई, या सोती कोम जगाई, या सोती कोम जगाई, ऐसा भगवान फेर नाना, सखी सब करो भीम गुणगान, भगवान फेर नाना, भगवान फेर नाना, सुनो भगवान फेर नाना, सखी के सब, सखी है सब करो भीम गुणगान, ऐसा विद्वान फेर नाना, सखी है सब ऐसा भगवान फेर नाना। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्योंकि अगर आप आपस में एक हैं तो आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मेरे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विद्वान भी हैं, लेकिन अलग अलग हैं, एक एकता नहीं है किसी में। क्या हो गया, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना, आपस में नहीं झगड़ना, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना, आपस में नहीं झगड़ना। भाई साहब, अगर अपनों के साथ लड़ोगे तो नुकसान अपना ही हो रहा है, अपनों के साथ तो खड़े होते हैं ताकत से ताकत मिला करके। बाबा साहब ने कहा था क्या, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना, आपस में नहीं झगड़ना, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना, आपस
में नहीं झगड़ना, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना। आपस में नहीं झगड़ना, तुम्हें सबसे पहले पढ़ना। आपस में नहीं झगड़ना, अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने हक की लड़ाई लड़ना। साबित वाद फिर ना आ सके, सब करो भीम गुण गाने। ऐसा विद्वान फिर ना आना, विद्वान फिर ना आना, भगवान फिर ना आ सके सब। ये मुझे कर देख लीजिए, कट टीवी चला दिया हूं यहां, टीवी पर चिकन, टीवी पर बड़ा जानवर आ जाना, बड़ा जानवर उसे देखने लगा लूं। ये सारे मुझे नहीं देख रहे बैठे, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? आ रही है ना? फिर तो बहुत अच्छी बात है। उठा फिर दोनों हाथ सीधे, फिर ताली बजा दिया करो। हाँ सखी है सब करो भीम गुणगान, ऐसा भगवान फिर ना आना। सखी है सब करो भीम गुणगान, ऐसा भगवान फिर ना आना। सूझवान लोग बैठे हैं कि मात्र शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो आपको एक ऐसी मजबूती दे सकता है कि कोई कितना ताकतवर इंसान आ जाए लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ने का। जिस दिन शिक्षा आपने अच्छी ग्रहण कर ली और अच्छे पद पर चले गए तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। आज आपके लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बाबा साहब ने इतना किया है आप लोगों के लिए कि आप पढ़ो। मैं तो इतना करके जा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन पढ़ते नहीं हम। हमारे मन में तो पता नहीं क्या क्या बड़ा हुआ है, आडंबर में फंस चुके हैं हमारे समाज के लोग। लेकिन उधर से निकलना है, निकल करके आना है, बाबा साहब के विचारों को पढ़ना है। अगर आपने मात्र 10 विचारों पर भी काम कर लिया तो आपका बेटा पार हो जाएगा। क्या लिखा है? शिक्षा एक ऐसा कहना जो सबको पहरना चाहिए। 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 बेटों के जैसे तुमको बेटी भी पढ़ानी चाहिए। बेटों के जैसे तुमको बेटी भी पढ़ानी चाहिए। बेटों के जैसे तुमको बेटी भी पढ़ानी चाहिए। और यार सीख दी, यार सीख सिखानी चाहिए, यार सीख बतानी चाहिए। ऐसा भगवान फेरना ऐसा विद्वान फेरना आना। विद्वान फेरना आना, भगवान फेरना सखिए सब करो भीम गुणगानी। ऐसा विद्वान फेरना सखिए सब करो भीम गुणगानी। ऐसा विद्वान फेरना ऐसा भगवान फेरना ऐसा विद्वान फेरना ऐसा भगवान फेरना।